हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी पनीर पॉपकॉर्न। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट निकाल लिया है और थोड़े से स्पाइसेस हैं जो कि हमारे घोल में पड़ेंगे। ब्रेड को पीस लिए हैं, ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं और कॉर्नफ्लोर है 1/2 कप और 1/2 कप मैदा है, दही है 1/4 कप और पनीर हमने 400 ग्राम यूज़ किया है। साथ में जो ऊपर से सीजलर पड़ेगा उसके लिए अलग से मसाला है, जिसमें कि प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, चाट मसाला और सामान है। तो सबसे पहले हम पनीर को छोटे टुकड़ों में काटेंगे, एक बार में जितना हम बाइट कर सकते हैं उतना ही, या आप कह सकते हैं बाइट साइज में जो होता है उतना बड़ा काट लेंगे। और इसको हम, अगर पानी हो तो एक बार टिश्यू से पोंछ लें। इसके बाद हम एक ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए कॉर्नफ्लोर और मैदा बराबर मात्रा में ले लें, 4-4 चम्मच, और इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल लें, जैसे कि प्याज का पाउडर, लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर और नमक, काली मिर्च। अगर आपके पास प्याज का पाउडर नहीं हो तो आप स्किप कर दें और लहसुन की जगह लहसुन को क्रश करके, जो फ्रेश लहसुन होता है उसको डाल सकते हैं। इसके बाद हम पनीर को उसमें एक बार कोट कर लेंगे, इससे पनीर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा। और इसमें एक बार कोट करने के बाद हम इसको अलग करके रख लेंगे। दोबारा से जो ड्राई हमारा बच जाएगा कॉर्नफ्लोर और मैदा, उसमें हम और इंग्रेडिएंट डालेंगे और एक घोल तैयार करेंगे। ये स्टार्टर की तरह भी आप बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा सबको खाने में। और जितना अब हमारा ड्राई मिक्सचर बचा है, इसमें हमने 1-1 चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर और डाल दिया है। इसके बाद जो दही हमने रखी थी दही डाल देंगे, और थोड़ा सा प्याज का पाउडर और नमक हमने रखा था बाद में डालने के लिए, उसको डाल दें। साथ में सोया सॉस डाल दें और धनिया के पत्ते भी डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहना चाहिए कि लम्स ना आए और मिक्सचर गाढ़ा ही हो। अब कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये जैसे पकोड़े के लिए बनाते हैं वैसे ही है, गाढ़ा है बिल्कुल। और इसमें अब हम पनीर को डिप करेंगे। पनीर डिप करके हम जो ब्रेड का क्रम्स रखे हैं उसमें डाल देंगे और क्रम्स को अच्छे से लगा देते हैं। ब्रेड क्रम्स लगा के उसी बाउल में हमने साइड में रखा है, इससे एक्स्ट्रा जो रहता है वो निकल जाएगा और पनीर में अच्छे से कोट भी हो जाएगा। तो बड़ा बर्तन लेंगे तो आसानी रहता है। इसी तरह हमने सारे पनीर को कोट करके रख लिया है और दूसरे साइड में ऑयल को गर्म होने के लिए भी रख दिए हैं। पनीर अब रेडी है फ्राई करने के लिए। जो हमने सीजलर बताया था उसके लिए सारे मसाले हमने निकाल के रखे थे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमने नमक, काली मिर्च, ओरिगैनो, चाट मसाला, प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर यूज़ किया है। और इसके बाद हम गरम तेल में अब अपने पनीर पॉपकॉर्न को फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत गर्म होना चाहिए, अगर ऑयल ठंडा होगा तो पनीर के ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो छोड़ देगा। 5 मिनट ही लगता है और ये पनीर पॉपकॉर्न फ्राई हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। इसमें अब हम तैयार किया हुआ नमक मिला देंगे। आप इसकी आवाज़ से समझ सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। और इसको हम मेयोनीज और टमाटो सॉस के साथ सर्व करते हैं।
एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।